बच्चा स्किन से बचिया है ना। कितने दांत में होगी? छह दांत। जर दिखाइए तो। आराम से खोल के दिखाइए। बस 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 छह दांत ले चलिए बाधिए। बच्चा है अभी तीन दिन का बच्चा है। तीन दिन का बच्चा है। दूध कितना करेगी लगभग? का दाम रखे हैं? दाम दाम मालिक वही है। पूछिए भैया दाम बता दे। तो नाम बताइए चाचा। 65-62 होता भाई। 55,000। 55,000। हाथ लगाइए। अरे खूब खूब भाई लोग आज के इस मेला मंडी में हमारे साथ एक फौजी भाई हैं। सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम उदय यादव है। उदय यादव ग्राम चंपरा घाट पोस्ट घरिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर के रहने वाले एक मूल निवासी हैं और अभी अभी हाल ही में आप सेवा निवृत्त हो गए हैं। एक मार्च को और चौसा के मेला मंडी में हमारे साथी हैं। देसी गोवंश देख रहे हैं अपने लिए, है ना। अगर कुछ काम की गायें निकलेंगी इनके योग्य तो यहाँ से खरीदारी कर ली जाएगी। बहुत से भाइयों की मांग रहती है कि वो साहिवाल गाय अपने यहाँ रखें या खरीदे। आज के इस मेला मंडी में हम लोग साहिवाल ही देख रहे हैं, है ना जी। साहिवाल देख रहे हैं लेकिन उतनी अच्छी शुद्ध रूप में साहिवाल दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो एक साहिवाल जरूर खरीदी जाएगी यहाँ से। अभी हम लोग प्रयास में हैं। का दाम रखे हैं भैया? कितना मांग रहे हैं बाबा? 72। देख लो 72,000। हाँ अब भैंस का दाम दाम फाइटा होता है डेयरी में। देखो ढंग से तो ले ले ही ले लो। अब बोल के ले लो ले 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 लो ले लो। बच्चा का भैया इसके से बासी है। देख लो होगा भैया। देखो हो काले रंग वाली। हाँ पर्ची उठा के देख लो चाचा। कितने दांत में है भैया? दांत में दांत दांत 400 होती है। 4 से 6। हाँ दूध कितना बोल रहे हैं? 20-20। 10 किलो एक टाइम। 10 किलो एक टाइम। हाँ दाम 72। कहाँ तक हो जाएगी? कहाँ तक कहाँ तक नजदीक वाला बताइए दाम। बराबर 70 पर। 70। हाँ बहुत से भाई थारपारकर नस्ल की गाय खोजते हैं। देखिए आप लोग के सामने
चौसा के इस मेला मंडी में थारपारकर नस्ल की भी गाय आती है। अच्छी गाय है, गाभिन गाय है, है ना जी? अच्छी है, कंडीशन में गाय है, अच्छी गाय है। दिन थे तेरी चट्टे के सामने एक देसी दुधारू गाय को दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और आते थे हाथा खिला सिकला खाइलो के खाइलो के अभी सवा सौ जी ना भेजा भाई ना सुमेली ले जाकर पूछ के एक दूध का कर देते हैं भैया। थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा भैया। और ना इस समझ है लक्ष्मी को ए भैया के हम काट दी तो चैलेंज को ये हार जे दुहाया दूध आ में खाए। अभी अभी इसी गाय की खरीदारी की गई है। सुबह इस गाय को हम लोग देख के गए थे जिसका कीमत करीब 62,000 के आसपास बताया गया था और इसकी खरीदारी की गई है करीब 51,000 रुपये में। बच्चा इसके नीचे बछड़ा है, बाकी गाय को आप लोग देख ही रहे हैं। आज के इस मेला मंडी की थोड़ी अच्छी गाय थी, साहिवाल टाइप में। फौजी भैया आए हुए हैं, उन्हीं के लिए गाय खरीदी जा रही है। संजय भैया बढ़िया से थोड़ा देख लीजिएगा धार में, चारों थन बढ़िया हो और थनों के साथ अच्छी दूध भी आती है। आप भी देख लीजिएगा। अरे भैना कोई हस जी भैना के कोई हस चाची जाता ना दियो रुके ना ना बढ़िया ले खूब देख ले वाला काम का ठीक है ठीक है माने चैलेंज को ना दिए खूब बढ़िया ले से दूध कैसा है? ठीक है। अरे अगर दूध पूछे कैसा नहीं तो मार दे और चेक कर ले। ये देखिए यहाँ पे 51,000 रुपये में इस गाय की खरीदारी की गई है। 51,000 रुपये की पर्ची है और डेट भी देखिए 15/3/2023। देसी गाय के दूध के महत्व के बारे में बताइए, देसी गाय के बारे में बताइए। देसी गाय का दूध बहुत गाढ़ा होता है, पौष्टिक भी होता है, खासकर बच्चों के लिए भी दवा के रूप में दिया जाता है गाय का दूध। और गौ माता का दूध देवता लोग को भी चढ़ता है, पंचग पंचगव्य भी बनता है। चलिए चलिए आगे आगे ले चलिए। इसका बच्चा क्या है यहाँ पे? बच्चा यहाँ पे बछड़ा है, बहुत शांति और स्वभाव की बहुत अच्छी गाय है, शांत स्वभाव वाली। देखो ये गाय प्योर देसी नस्ल में इतना अच्छी गाय आपको नहीं मिलेगी। दूध टाइम पे 8 किलो, इसमें झूठ सच नहीं है और शांति स्वभाव की गाय है। एक बार सहले इसका बच्चा? बच्चा बछड़ा है। कहाँ पे है बछड़ा? बधा हुआ उधर, वाइट वाला इसी में बधा हुआ है। हाँ।
इसका यहाँ पे कीमत क्या रखा गया है, सत्य बोलिएगा। कीमत तो मांगने के लिए मांग रहे हैं 1,05,000, लेकिन यदि देने लेने वाली बात आए तो वहाँ पे 75,000 रुपये हम गाय दे दे। सुना 75,000 में अगर गौ पालन नहीं किया जाए तो आने वाले दिनों में इस तरह की गायों का कीमत 2,00,000 से ऊपर ही होगा। अभी तो 1,00,000 रुपए के करीब जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन में 1.5-2 लाख इस तरह से होगा। छः थान है ना, छः में भी दूध आ रहा है। छोटे मोटे परिवार वाले व्यक्तियों के लिए एक ये देसी गाय ले आइए भैया। चौसा की इस मेला मंडी में इस समय गायों की एक कमी चल रही है, देसी गाय भी कम आ रही है, इसी वजह से मेला मंडी में मौजूद जो हमें अच्छी गाय लग रही है उन्हीं को मैं दिखाने का प्रयास में लगा हुआ हूँ। बच्चा क्या है भैया इसका, यहाँ पे बछड़ा है, सहलाइए थोड़ा थोड़ा सहलाइए। कितना दूध करेगी ये गाय, कितना दूध करेगी चाचा? 8 किलो। 8 किलो का दाम रखे हैं इसका? 35,000। उसको भी दिखा दीजिए, बगल में एक गिर क्रॉस ये रही। बहुत से भाई चाहते हैं कि वो गिर नस्ल की गाय रखे, शुद्ध रूप से गिर में नहीं है, क्रॉस में है। उधर ही ले चलिए, उधर ही चार ढाल में कोई भी कमी नहीं है, ठीक ठाक है। ले आइए भैया, ले आइए, ले आइए, ठीक है, बहुत अच्छी। काफी सुंदर इसका बच्चा भैया, ये बछड़ा है ना, कितने दिन का है बछड़ा? 1 दिन का नहीं है। 10 दिन, 10 दिन से कम नहीं होगा। ये कितना दूध करेगी भैया? 10 लीटर। मेला मंडी से जो भी आप लोग को जानकारी दिया जाता है कुछ बढ़ा चढ़ा के ही दिया जाता है। सहलाइए, काफी संवेदनशील गाय है। बस 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 बस, वो हमें देख के थोड़ी सी इसका क्या दाम भैया, वही वही बताएंगे। इस गाय को बताया गया है 30,000 के करीब बताया गया है, 30,000 बता रहे थे इसको, 32। उसका कितना दाम रखे हैं चाचा? ओ वाली गिर में है जो 42,000 लग रहे हैं। 36 लगा उसका दाम, ग्राहक 35-36 लगा रहे हैं। जिनकी गाय है वो खुद बोल रहे हैं कि इस गाय का जो कीमत ग्राहकों द्वारा लग रहा है 35-36,000 रुपये लग रहे हैं और 42,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई लोग, चौसा का मेला मंडी से मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचा पाता हूं, है ना, तो कृपया इस तरह के हमारे मेहनत को सार्थक बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो इस तरह वाला होगा उसको आप लोग क्लिक करके लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर इस तरह के वीडियो से आप लोग प्रभावित हों और चैनल पर नए व्यक्ति हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह का मेला मंडी से संबंधित जो वीडियो है लेके आता रहता हूँ। और जो भी सुझाव होगा आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर हमारे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये 6 थानों वाली जो गाय है आप लोगों को कैसी लगी।
देखिए भाई चौसा के इस मेला मंडी में इस तरह की बछिया भी मिलती हैं। आप लोग जब भी आएंगे तो इनके यहाँ चचा इधर आइए, नंदलाल साहू जी हैं, और इनके यहाँ देखिए इस तरह से सब बछिया आई हुई हैं बिक्री होने के लिए। बहुत सारी कई तरह की नस्ल में बछिया रखे हुए हैं, खासकर इसमें बिलायती नस्ल की भी बछिया आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे देसी पे, क्योंकि अपना प्रयास रहता है कि बहुत से लोग जो है अपने यहाँ देसी गाय का ही पालन करें, देसी नस्ल ही रखें। हमारा से गृहस्थ आदमी ले जाता है, आपके बाद आपके यहाँ से गृहस्थ लोग ले जाते हैं, गृहस्थ खरीद देता है। चाचा इसको थोड़ा घुमाइए, तो इस बच्चे को घुमाइए ताकि देखने वाले भाइयों को मालूम चले कि हाँ किस तरह की ये बच्चिया है। बच्चिया कितने दिन की होगी लगभग? अभी साल भर की। साल भर की होगी, साल भर की बच्चिया बताई जा रही है। लगभग इसका दाम कितना रखा है? दाम है कल 4500। इस बच्चिया का जो यहाँ पे दाम बताया जा रहा है 4500 रुपये, जरा देने वाला बताइएगा। हाँ, कहाँ तक कहाँ तक ये भी आएगा? 4500 4500 बोल रहे हैं ना, तो कितना उसमें छोड़ेंगे आप? अरे 4500 रुपये। 4000 रुपये बोल रहे हैं चाचा, 4000 में दे दिया जाएगा। और ई वाले को बताइए, ई वाले के 3500। भाई लोग आज के इस चौसा मंडी से मैं आप लोगों को मेला मंडी में मौजूद अच्छी से अच्छी गाय जो है दिखाने के प्रयास में लगा हुआ था सुबह से ही, लेकिन एक फौजी भाई आ गए थे और उनको एक गाय दिलाने में हमने मदद किया और थोड़ा हम विलम्ब हो गए, इसी वजह से जो और गाय हम दिखाने वाले थे वो सक्षम नहीं हो पाए। आप ये कह लीजिए कि समय हमें मिल नहीं पाया, समय का अभाव था और दोपहर हो गया है ना, इसकी वजह से हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले हफ्ते में और अच्छी से अच्छी जो है गाय दिखाएं।